नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र और मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास न्यूज लेके आया हूं। न्यूज ये है कि आगामी कुछ दिनों में या आगामी कुछ महीनों में आपका मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, जिसकी पूरी पूरी भारत सरकार ने तैयारी कर ली है कि आप मोबाइल नंबर को चेंज किया जाना है। अब वो चेंज किया है, किस प्रकार से होगा और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसी रेशो में उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, मतलब मोबाइल धारकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इससे हो क्या रहा है कि मोबाइल धारकों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन नंबर्स जो है, यानी मोबाइल नंबर जिसको हम 10 डिजिट के नंबर बोलते हैं, उनकी संख्या तो वैसी की वैसी है, क्योंकि डिजिट्स उतनी है और 10 डिजिट का एक नंबर बनाना है तो नंबरों की संख्या हमारे पास सीमित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के दूर संचार विनियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ट्राई ने शुक्रवार को ये कहा है कि मोबाइल नंबर 10 की जगह 11 अंक का कर दिया जाना चाहिए। ट्राई ने यह सलाह फिक्स्ड और मोबाइल सेवाओं के लिए समुचित नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है। ट्राई के अनुसार यदि मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाए तो देश में मोबाइल नंबरों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। ट्राई के अनुसार यदि मोबाइल नंबर 11 अंकों का कर दिया जाए और पहला अंक यानी पहला नंबर अगर 9 रखा जाए तो देश में कुल 10 अरब मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं। हमारे भारत की जो जनसंख्या है अभी वो 135 करोड़ है, ठीक है, यानी कि 1 अरब 35 करोड़ है, और अगर हम 10 की बजाय 11 नंबर का मोबाइल नंबर कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो होंगे 10 अरब, यानी आगामी 100 साल से भी ज़्यादा तक हमें किसी प्रकार से नंबरों की संख्या में या नंबरों में कभी भी कमी नहीं आएगी। इस वजह से ट्राई ने ये भारत सरकार को अपना सुझाव दिया है। ट्राई ने साथ में ये भी सुझाव दिया है कि जो डोंगल का नंबर 10 डिजिट का होता था उसको भी अब 13 डिजिट का कर दिया जाएगा, यानी 13 अंकों का कर दिया जाएगा। ये थी आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।